गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रेफरेंस कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारे स्कूल ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए किया है। आई होप आप सभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे और दूसरों से भी ये बात शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इस क्लास में हमने SST में चैप्टर फिनिश कर लिया था और इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, जो कि इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था आपका स्टोरी ऑफ पालनपुर। स्टोरी ऑफ पालनपुर में आपने क्या देखा? आपने देखा रूरल एरिया क्या होता है, रूरल इंडिया क्या था, वहाँ पे किस तरह से सिचुएशन होती है, किस तरह से वहाँ पे जो है खेती का कौन कौन से वहाँ पे मतलब लोग करते हैं, इनकम का सोर्स क्या होता है, कैसे लेबर वहाँ पे मिलती है हमको, किस तरह का वहाँ पे सारा माहौल होता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देखी और काफ़ी सारा टाइम हमने उस चैप्टर को दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हम उतना टाइम इस चैप्टर को नहीं देख पाएंगे। एक चैप्टर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको इवन 15-20 दिन दिए जाए ना कंटिन्यूसली तो भी कम है, क्योंकि बहुत वाइड चैप्टर है, उसका एरिया ऑफ माइंड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो समझिए पहले तो आप, हम जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली स्टडी आपको उसको करना होगा। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक पर रिलेटेड कोई आपको डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के उसमें कवर करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जो पालनपुर है उसमें हम वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी पालनपुर में क्या हो रहा था कि हमें गांव की स्टोरी दिखाई गई थी। ठीक है, पालनपुर नाम का कोई हाइपोथेटिकल प्लेस था। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे कुछ लोग थे। ठीक है, कुछ वहाँ पे जो लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ के पास कम है, कुछ बेचारे खेती करते हैं, कुछ ऐसे छोटा मोटा व्यापार करते हैं, सपोज और किसी का कोई शॉपकीपर है, कोई छोटा मोटा व्यापार करता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई मतलब अनाज लाने ले जाने का जो है ना बोगी वाला काम करता है। ठीक है, तो उस तरह से हमने वहाँ पे देखा। अब हम बात कर रहे हैं पीपल एज ए सोर्स, मतलब पीपल मतलब जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है। ठीक है, एज मतलब रिसोर्स, उसको हम ऐसे रिसोर्स के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम उसको ऐसे रिसोर्स कैसे देख सकते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है स्टोर। ठीक है, स्टोर मतलब कि ऐसे हम बात करें कि अभी हमें दूध का स्रोत क्या है, दूध का स्रोत आप लोग गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जो दूध हमें हमको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप बात करोगे कि हमें मतलब लकड़ी कहाँ से मिलती है, तो आप लोग उसका रिसोर्स जंगल है। ठीक है, तो वैसे क्या है, पीपल एज रिसोर्स, मतलब जो पीपल है वो एज ए रिसोर्स कैसे हमको देखना है, उसको किस नजरिए से देखना है, और उसको हम एज ए रिसोर्स कैसे काम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रिसोर्स के बारे में हम बात कर लिए। ठीक है, पॉपुलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा रिव्यू इसका। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स एज द एफर्ट टू एक्सपेंड पॉपुलेशन एज द एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, एक असेट्स है। अब असेट्स और लायबिलिटी क्या होती है? असेट्स मतलब वो चीज होती है जो हमारा दायित्व होता है, लायबिलिटी मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, असेट्स मतलब वो चीज होती है जो हमारी संपत्ति होती है, और लायबिलिटी मतलब वो चीज होती है जो हमारा दायित्व होता है। दायित्व और संपत्ति कैसे पता चलेगा आपको? तो समझिए, साफ भाषा में मैं आपको बताता हूँ, जो चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, ठीक है, सपोज कीजिए मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी है, तो वे मेरे क्या है, असेट्स है, लायबिलिटी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। मतलब क्या है, शादी मुझे करनी है तो मुझे अपनी मतलब खर्चा करना है, पैसे लगाना है। ठीक है, तो जेब से मेरे पैसा निकला तो मतलब समझिए वो मेरा क्या है, लायबिलिटी है। अब असेट्स की बात करूं तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो चीजें जो भी रिसोर्स है, ठीक है, वो आपकी जेब में अगर पैसे डालते हैं तो वो क्या है, एज ए असेट्स। सपोज क्या होता है कि मैंने एक घर बनाया, ठीक है, उस घर को मैंने रेंट पे लगा दिया,
और रेंट पे लगा रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है, मुझे पैसा आ रहा है। ठीक है, एक कार है मेरे पास, एक कार है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक कार है, मैंने पिछले साल ही परचेस की है। अब मैं उसकी ईएमआई भरता हूँ। ईएमआई मतलब जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किस्त। ठीक है, तो वो मैं भरता हूँ, तो वो मेरे लिए, वो मेरी जेब से क्या पैसे निकाल ली, तो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। मैं उसमें पेट्रोल भी डलवाता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। मैं उसको सर्विसिंग भी कराता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, क्यों, वो मेरे से पैसा निकाल दिया। अगर सपोज वही कार को मैं अपनी फैमिली के लिए यूज करता हूँ, वही मैं उसको कहीं रेंट पे लगा देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मुझे इतना पैसा देने लगेगी, उससे उसकी ईएमआई भी निकल जाएगी, उससे सर्विसिंग का चार्ज वो निकल जाएगा, उसका जो एक्सपेंस है वो, और मेरे डीजल का भी एक्सपेंस निकल जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए रिसोर्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक असेट्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। तो अब हमको क्या करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, असेट्स है, मतलब क्या है, उस पर हमको खर्चा करना है या वो हमको इनकम देती है। अब देखिए, इतना बड़ा कंट्री है हमारा, नियर अबाउट 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा। ठीक, तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या को हमारे लिए लायबिलिटी है, असेट्स है, इसको हमको ऐसे देखना है। तो अब देखिए, कुछ लोग हैं, मतलब कुछ जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है, गवर्नमेंट को खाना भी उनको देना होता है, उनको एजुकेशन भी देनी होती है, उनको उनको मतलब वो फ्री में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो भी देनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कभी कभार कोई बाढ़ तूफान कुछ भी ऐसा आता है, तो उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना, मतलब उनके लिए वापस से घर बनाना, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो क्या है, हमारे लिए वो लायबिलिटी बन जाती है। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पे दो 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 स्टोरी दी गई है, मतलब केस स्टडी दी गई है, आप उसको देखिए। स्टोरी ऑफ सकल, सकल की जो स्टोरी है वो जबरदस्त स्टोरी है, इसको आपको खुद को रीड करना होगा। ठीक है, आपको होमवर्क यही है। और स्टोरी ऑफ बबल बिलास, सॉरी स्टोरी ऑफ बिलास। ठीक है, एक बिलास है और एक सकल है, इन दोनों की